Okay, good morning today. Good morning, dear students. Today I will discuss about the properties of mixture of ideal gases. This is the part of unit 4 and the subject name is the thermodynamics. This is the outline of the today lecture. Dalton's law of the partial pressure, ideal gases, mixture of ideal gases, composition of a gas mixture, mass and the mole fraction, mass and mole fraction in detail, and the example on the properties of the gas mixture. This is the today outlines. So what is the Dalton law? अभी तक आप लोग जो पढ़ते आ रहे थे वो सिंपल एक सिंगल गैसेस के लिए था. अब यदि एक से अधिक गैसेस को आपस में मिक्सअप किया जाता है तो उसके लिए डाल्टन्स लॉ बनता है. डाल्टन्स लॉ ने जो बताया था वो बताया था कि दो या दो से अधिक गैसेस को मिक्स आपस में करते हैं तो जो उनका गैस का टोटल समेशन प्रेशर रहता है, टोटल प्रेशर रहता है, वो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के बराबर रहता है. सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में आपने मिलाई तो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर प्लस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, इन दोनों के पार्शियल प्रेशर से आपका टोटल जो मिक्सचर का प्रेशर बनेगा वो आपका टोटल प्रेशर कहलाएगा. तो दोनों गैसेस का आपने मिक्स कर दिया, हाइड्रोजन को मिक्स कर दिया, ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया, तो दोनों को मिक्सअप करने के बाद वो मिक्सचर बन गया. तो मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर रहेगा दोनों के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर रहेगा. तो एक होमोजीनियस मिक्सचर को कंसिडर करेंगे जो कि टेम्परेचर टी पे है, प्रेशर पी पे है, वॉल्यूम V पे है, तो वहां पे n1 नंबर ऑफ मोल्स गैस रहेंगे. यदि गैस A1 है, सपोज हाइड्रोजन गैस है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स हमने n1 ले लिए हैं, और n2 मोल्स रहेंगे गैस 2 के, सपोज उसके ऑक्सीजन है तो उसके लिए ले लिया. और इसी तरीके से यदि बहुत सारी गैसेस को आपस में आपने मिक्सचर कर दिया या मिक्सअप कर दिया तो उसके जो मोल्स रहेंगे nc रहेंगे. तो दिस इज द डायग्राम इन विच द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस, n1 इज द ऑक्सीजन सपोज दैट, n2 इज द गैस ऑफ 2. तो जो मिक्सचर हो रहा है गैसेस का, बहुत सारी गैसेस का आपस में मिक्सचर हो रहा है, वो प्रेशर पी, टेम्परेचर टी और वॉल्यूम वी पे है. तो सिंस देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कि हमने दो गैसेस को मिक्स कर दिया तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा, ऐसा मान के भी चलते हैं, तो मिक्सचर इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. यदि केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो क्या होगी कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन की है. सपोज दैट हम कहीं से यदि बाहर से आते हैं, विंटर कंडीशन चल रही है, बाहर से आते हैं, ठंड लग रही थी आपको बाहर, आप अंदर अचानक आए, रूम बंद था आपका, वहां पे आके आप बैठे तो आपने क्या देखा कि थोड़ी देर बाद आपका जो टेम्परेचर है या हीट बैलेंस है वो बराबर हो गया. तो इसी तरीके से जब गैसेस आपस में मिक्सअप हो जाती हैं और उनमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होता है तो दैट इज द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशंस. ओके, तो डाल्टन्स लॉ जो पार्शियल प्रेशर का है वो इस तरीके से भी चलता है, दैट इज कॉल्ड पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यदि नंबर ऑफ मोल है. पहले अभी हम पढ़ा करते थे PV is equal to MRT, क्योंकि वहां पे मास लेते थे तो इसलिए PV is equal to MRT वर्ड यूज करते थे. लेकिन यदि नंबर ऑफ मोल वर्ड, नंबर ऑफ मोल्स लेंगे तो वहां पे जो वर्ड यूज होगा वो होगा PV is equal to NRT. N मतलब नंबर ऑफ मोल कहलाता है. तो N1 प्लस N2 प्लस डेट 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 प्लस NC इंटू RT, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट PV is equal to NRT. R की जो वैल्यू रहती है वो 8.3143 किलो जूल पर kg मोल पर डिग्री केल्विन, ये लेके चलते हैं. पी की जो यहाँ पे कंडीशंस है कि हर एक ग्रेस का प्रेशर जो है वो निकालना पड़ता है अपने को, तो वो चीज अपन निकालेंगे. तो यहाँ पे अपने को जो रहेगा वो करेंगे, ठीक है ना. तो पहली जो कंडीशंस है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, पी इज इक्वल टू N1 RT upon V, दिस इज द गैस 1, दिस इज द गैस 2 और दिस इज द गैस NC गैस, मतलब कि सी नंबर ऑफ गैसेस को यदि यूज कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन NKRT upon P रिप्रेजेंट kth नंबर ऑफ गैस की, बहुत सारी गैसेस है वहां पे, ऑकरिंग अ वॉल्यूम V अलोंग अ टेम्परेचर ऑफ T, दिस इज कॉल्ड अ पार्शियल प्रेशर ऑफ द kth गैस एंड इट इज डिनोटेड बाय द PK. तो उसको हम पार्शियल प्रेशर kth गैस का बोलते हैं और उसको PK से डिनोट करते हैं. तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो रहेगा, दैट इज द P1 इज इक्वल टू N1 RT upon V, P2 इज इक्वल टू N2 RT upon V एंड द PC इज इक्वल टू NC RT upon V, मतलब कि सी नंबर ऑफ गैसेस. तो जो प्रेशर रहेगा दैट इज द P1 प्लस P2 एंड दैट ऑन द PC. तो इन सब के पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर टोटल गैस के मिक्सचर का प्रेशर रहेगा एंड दिस इज नोन एज द डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर. It is stated that the total pressure of a mixture that is equal to the ideal gases sum of the partial pressure of the individual gases. कितनी वहाँ पे individual gases आपकी हैं, उनका partial pressure कितना है, उनके summation के pressure के बराबर होगा total pressure. तो ideal gas that is the PV is equal to NRT, यदि number of mole को आप लेके चल रहे हैं तो equation ये follow होगी. Then PV is equal to MRT, यदि mass of the gas लेके चल रहे हैं तो PV is equal to MRT follow होगी. Okay?
assume kinetic theory of the gas. Kinetic theory gas ko hum follow karte hain, and the real gas is equal to ideal gas at the low pressure and the high temperature. Real gas mein kya hota hai? Real gas hoti hai ideal gas ke low temperature aur high temperature ke barabar hoti hai, kyunki ideal gas ek wo perfect gas kehlati hai jahan pe ki Boyle's law, Charles law sare laws follow hote hain, but real gas ki condition mein ye sari cheeze follow nahi ho pati hai. To mixture of ideal gas ka matlab kya hai? Yadi दो आइडियल गैसेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सिलेंडर में, देन मिक्सचर विल आल्सो बिहेव एज आइडियल गैस. ऐसा नहीं है कि वहां पे रियल कंडीशन आ जाएगी, उसको हम मान के चल रहे हैं जंक्शन के रूप में कि वो आइडियल गैस के रूप में रहेगी. एंड दिस गिव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर. लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट रहेगा मिक्सचर का गैसेस का, वो पार्शियल प्रेशर पे, मतलब दोनों गैसेस के, यदि दो गैसेस को आपस में मिलाया अपन ने तो दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर रहेगा. हैंस द मिक्सचर इटसेल्फ विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल आइडियल गैस. तो मिक्सचर जो भी ट्रीट किया जा रहा है एज अ सिंगल आइडियल गैस के रूप में ट्रीट किया जा रहा है. द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस मिक्सचर ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस. जितनी भी प्रॉपर्टीज आप लेके चलेंगे, अभी तक आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती थी, इंटेंसिटी प्रॉपर्टी होती थी. तो इन प्रॉपर्टीज को जितनी भी वैल्यूज आप देख रहे हैं, तो मिक्सचर की जितनी भी प्रॉपर्टी रहेगी वो पार्शली जितनी भी गैसेस मिक्सअप की गई हैं उन सब के समेशन के बराबर रहेंगी. ऐसा नहीं है कि आप सोच लें कि यदि आपने मिक्सचर का प्रॉपर्टीज लेना है तो आपने किसी एक गैस को कंसिडर कर लिया, तो जितनी भी गैसेस वहां पे इन्वॉल्व हो रही हैं उन सब के प्रॉपर्टीज के बराबर समेशन के बराबर रहेगी. तो एज वेल एज अमाउंट ऑफ ईच गैस इन द गैस मिक्सचर, सपोज दैट ऑक्सीजन की अलग क्वान्टिटी थी, हाइड्रोजन की अलग क्वान्टिटी थी, लाइक दैट. So this is the compositions of a gas mixture and the mass and mole fraction already presented in the diagram. The gravimetallic analysis and the molar analysis are represented in the diagram. If the hydrogen is a mix up of the 6 kg and the oxygen is a mix up of the 32 kg, then the total summation of the gravimetric analysis by the that is the hydrogen plus oxygen is equal to the 38 kg. तो जो total आपका वहाँ पे gravimetric analysis होगा वो 38 kg हो जाएगा, क्योंकि hydrogen आपने लिया 6 kg और oxygen लिया आपने 32 kg. तो total कितना हो गया आपका 38 kg. Molar analysis की बात करेंगे तो molar analysis भी जो आपका रहता है वो भी आपके यहाँ पे मोलर एनालिसिस के रूप में यदि आप लेंगे तो हाइड्रोजन का 3 किलो मोल के रूप में यहाँ पे लिया गया है और ऑक्सीजन के लिए 1 किलो मोल के लिए लिया गया है. तो टोटल यदि आप समेशन करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का आपका 4 किलो मोल के रूप में आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के एनालिसिस किए गए थे, एक मोलर एनालिसिस, एक ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें कि मोलर एनालिसिस में किलो मोल के रूप में आपको बताया गया था और ग्रेविमेट्रिक में आपको केजी के बेस पे बताया गया था. तो दीज आर द प्रेजेंटेड इन द मैथमेटिकली फॉर्म. ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो आपको दिखाया गया है, मोलर एनालिसिस यहाँ पे दिखाया गया है. तो यहाँ पे मोलर एनालिसिस में नंबर ऑफ मोल लेके चलते हैं, तो मोल नंबर ऑफ मिक्सचर जो रहता है एनएम के रूप में रहता है, एनआई रहता है इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स का रहता है. और जो मास फ्रैक्शन, दो तरह के फ्रैक्शन सिस्टम कहलाते हैं, एक मास फ्रैक्शन कहलाता है, दूसरा मोल फ्रैक्शन कहलाता है. तो मास फ्रैक्शन के लिए अलग फार्मूला लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं, एम आई अपॉन द एम एम. और यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन के लिए फार्मूला लगाया गया है वो एन आई अपॉन एन एम लगा हुआ है. तो ये फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में और मोलर एनालिसिस में. द मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द मोल नंबर कैपिटल एन एंड द मोलर मास कैपिटल एम. स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाई द स्टार बाई कैपिटल एम. गैस कॉन्स्टेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी एक्सप्रेस एज आर एम इज इक्वल टू आर यू अपॉन एम एम. मोलर मास ऑफ ए मिक्सचर कैन बी एक्सप्रेस एज दिस मैथमेटिकली एक्सप्रेशन. तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप वर्क करेंगे, हमने फर्स्ट यूनिट में भी आपको पढ़ाया था कि जो आपको नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं वो जनरली नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला रहता है वो थोड़ा सा अलग से निकाला जाता है. जब कभी मोल्स दिए रहते हैं, मोल्स काउंट होते हैं, तब उसके बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं. लेकिन यदि आपका मास दिए तो उसके बेस पे हम डायरेक्टली कैलकुलेशन करते हैं. तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड कैपिटल एम. और आपका मोलर मास उसका कितना है, सपोज दैट ऑक्सीजन का 28 है एक एग्जाम्पल के रूप में, तो उसका मास कितना निकल के आएगा, नंबर ऑफ मोल और उसके मल्टीप्लाई भी आप 28 से करेंगे तो उससे आपका निकल जाएगा मास. इसी तरीके से गैस कॉन्स्टेंट यदि निकालना है तो दिस इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एंड दिस इज द एमएम जो कि आपका मास पहले आप निकाल चुके हैं उसके बेस पे, और आरएम इज द जो आपका मिक्सचर का निकालना है. मिक्सचर की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे, एम फॉर द मिक्सचर. ठीक है ना, तो मोलर मास
जो कि हम बात कर रहे थे आपका मोलर मास मिक्सचर का कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो मोलर मास दैट इज द कैपिटल एम एम इज इक्वल टू स्मॉल एम एम अपॉन एन एम इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई अपॉन कैपिटल एन एम, तो इस तरीके से आप करेंगे तो ये सारी चीजें निकल के आएंगी। एम एम जो रहेगा आपका इस तरीके से मैथमेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, इनका इस्तेमाल करेंगे अभी आगे न्यूमेरिकल फॉर्म में। हालांकि अपने को अभी यहाँ पे जो बात करनी है, क्योंकि गैसेस को मिक्सअप कर रहे हैं मिक्सचर बना रहे हैं, तो उनके केस में नंबर ऑफ मोल्स लेके चलते हैं। जो मोल फ्रैक्शन मिक्सचर का रहेगा इसको रिलेट किया गया है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, इसका यूज होगा अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो मास एंड मोल फ्रैक्शन इज आर रिप्रेजेंटेड इन द हियर, तो मास के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो रहता है 6 kg प्लस 32 kg, ये आपका 38 kg बनेगा, ये मास फ्रैक्शन के रूप में रहेगा। और आपके यदि मोल फ्रैक्शन के रूप में रहेंगे तो 3 kmol प्लस ऑक्सीजन के लिए लेंगे तो 1 kmol, तो ये आपका 4 kmol के रूप में आ जाएगा। और यदि बात करेंगे आगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको 1.0 निकल के आ रहा है जो आप देख रहे हैं। ये फार्मूले आपके लिखे हैं नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन के लिए, इनका यूज होगा अभी आपके न्यूमेरिकल सेक्शन में, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे लेटर स्लाइड्स में। मास एंड द मोल फ्रैक्शन, द मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द मोल फ्रैक्शन दैट इज द कैपिटल एन एंड द मोलर मास कैपिटल एम ऑफ द सब्सटेंस एज द एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एन इनटू एम, देन द अपेरेंट और द एवरेज मोलर मास एंड द गैस कॉन्स्टेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी एक्सप्रेस एज ए एन एम इज इक्वल टू द एम एम अपॉन एन एम, और यहाँ पे आप जो देखेंगे ये वैल्यूज निकल के आएंगी। एंड द मोलर मास ऑफ ए मिक्सचर कैपिटल एम एम इज इक्वल टू स्मॉल एम एम अपॉन कैपिटल एन एम, तो यहाँ से आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आएगा, इसका यूज हम न्यूमेरिकल सेक्शंस में करेंगे। एंड द मास एंड द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए मिक्सचर आर द रिलेटेड बाय एम एफ आई इज इक्वल टू एम आई अपॉन द एम एम, एन आई एम आई अपॉन एन एम, एम एम इज इक्वल टू वाई आई एम आई अपॉन एम एम, दिस इज द मास एंड द मोलर फ्रैक्शन ऑफ रिलेटेड बाय द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि जो गैस मिक्सचर है जो कि 3 kg की ऑक्सीजन है, 5 kg का नाइट्रोजन है, 12 kg का आपका ये CH4 है, तो जो कि आपको दिखाया जा रहा है आपको निकालना क्या है, मास फ्रैक्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट वो निकालना है, दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट निकालना है, तीसरा आपको एवरेज मोलर मास निकालना है एंड गैस कॉन्स्टेंट निकालना है, गैस कॉन्स्टेंट निकालना है मिक्सचर का वो अपने को देखना है। तो 3 kg ऑफ ऑक्सीजन, 5 kg ऑफ द नाइट्रोजन एंड द 12 kg ऑफ द CH4, तो टोटल मास ऑफ द मिक्सचर जो आपका निकलेगा 3 kg आपका ऑक्सीजन है, 5 kg आपका नाइट्रोजन है और 12 kg आपका CH4 है, तो 20 kg आएगा। देन द मास फ्रैक्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट बिकम्स, ये आप निकाल सकते हैं, 3 kg आपका था ऑक्सीजन का, टोटल मिक्सचर का मास कितना हो गया, तो ये आपका 20 kg, 3/20 करेंगे तो ये आपका मास फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा 0.15। और फिर उसके बाद नाइट्रोजन का यदि आप करेंगे 5 kg और ये मिक्सचर का आपका 20 है तो 5/20 करेंगे तो 0.25, और CH4 जो कि मीथेन है आपका, मीथेन का करेंगे 12/20 तो ये आपका 0.6 kg निकल के आएगा। टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन वी नीड टू डिटरमाइन द मोल नंबर ऑफ द ईच कंपोनेंट्स, तो मोल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के लिए हम यहाँ पे उसी तरीके से करेंगे जैसे कि मास के लिए किए थे, बट मास के लिए आपने देखा था वहां पे, आपने मिक्सचर का देखा था, तो यहाँ पे जो मोल का है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो चूंकि आपके पास दो ही गैस थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी, उसी का एग्जाम्पल आप ले रहे थे यहाँ पे, और चूंकि यहाँ पे आप ऑक्सीजन के लिए आप निकाल रहे हैं तो 3 kg आपका नंबर ऑफ मोल रहेंगे, तो केजी के रूप में आपका है 32 kg पर किलो मोल आपका जो है, तो आपका यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए निकल जाएगा और मीथेन गैस के लिए निकल जाएगा। तो नाइट्रोजन के लिए यदि निकालेंगे तो 5 kg/28 kg पर केजी ऑफ द किलो मोल, इससे करेंगे तो ये आपका नाइट्रोजन के लिए निकल जाएगा, और CH4 मीथेन के लिए निकालेंगे तो ये निकल जाएगा आपका, तो 12 kg/16 kg पर किलो मोल, तो 0.75 kmol ये आपका निकल जाएगा। तो टोटल जो मिक्सचर का आपका मोलर फ्रैक्शन कहलाएगा या मोल फ्रैक्शन कहलाएगा वो ये आपका ही हो जाएगा 0.0994, ये आपने कर दिया 0.179 ये कर दिया और 0.750 कर दिया, तो आपका 1.023 kmol आ गया। और ये आपका जो दूसरा फैक्टर आपको निकालना था मोल फ्रैक्शन के रूप में, ये आप जो देख रहे थे आपने पहले निकाल लिया मास फ्रैक्शन निकाल लिया,
पहली स्लाइड में जो आपने देखा था, दूसरा आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तीसरा एवरेज मोलर मास एंड गैस कांस्टेंट। तो एवरेज मोलर मास भी यहाँ पे आ जाएगा, ये जो आप जो देख रहे हैं ये उसके लिए था आपका, मास फ्रैक्शन के लिए था जो आपने किया था, वो हम कर लेंगे यहाँ पे। मोल फ्रैक्शन के लिए हमने किया है वो चीज हो जाएगी यहाँ पे। ऑक्सीजन के लिए अलग है, नाइट्रोजन के लिए अलग है, मीथेन के लिए अलग है, या जो देख रहे हैं एवरेज जो मोलर मास है एंड गैस कॉन्स्टेंट मिक्सचर का, वो भी यहाँ पे डिटरमाइन कर लेंगे। तो 20 केजी अपॉन 1.023 ये हम कर लेंगे तो 19.6 आ जाएगा, केजी पर किलो मोल आ जाएगा आपका। और मिक्सचर के लिए भी आप यहाँ पे देखेंगे 19.6 जो है केजी पर किलो मोल जो है मिक्सचर के लिए आ जाएगा आपका, जो हमने फार्मूला लगाया है YI इंटू MI। तो ये जो चीज है आपकी निकल के आई थी यहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं, तो 0.092 इंटू 32 MI प्लस 0.175 इंटू 28 प्लस 0.773 16। तो ये सब हमने कर दिया, इससे आपका निकल जाएगा 19.6 मोलर मिक्सचर के लिए। और आपको यदि मिक्सचर का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकालना है तो 8.314 किलो जूल पर किलो मोल, और 19.6 चूंकि आपका मिक्सचर का मोलर आपका निकल के आया है मिक्सचर का मोलर मास, तो 19.6 केजी पर किलो मोल, इसके हिसाब से करेंगे तो 0.424 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन आ जाएगा। तो दिस इज द टुडे लेक्चर। About the